नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने जो रिवीजन देखा, मैंने बोला था कि हमारी 14th को एग्ज़ाम है पीरियोडिक टेस्ट 14 मार्क्स की। तो हम लोगों ने जो व्यू प्रिंट है उसमें से सेक्शन ए में क्वेश्चन 1A, B और C, सी मैंने होमवर्क दिया था आपको, और अब आएगा डी। तो डी कौन सा है? समानार्थी शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स, समानार्थी शब्द सिर्फ चैप्टर 2 में ही है, तो हम लोग पहले चैप्टर 2 में से समानार्थी शब्द देखेंगे। ये रहे समानार्थी शब्द चैप्टर 2। तो पहला है शीतल। शीतल यानी ठंडा। शीतल यानी ठंडा। फ्रेंड्स, आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो शीतल यानी ठंडा, तो आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य खुद बनाकर लिख सकते हो। दूसरा है प्रसन्न। प्रसन्न यानी खुश। आज मैं बहुत खुश हूँ, आ गया ना मित्रों। गरीब। गरीब यानी दिन। अंधकार। अंधकार यानी अंधेरा। स्नेह। स्नेह यानी प्रेम। प्रेम का अगर हमें बोले तो किस तरह से वाक्य में प्रयोग करोगे? मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है। पुरानी। पुरानी यानी प्राचीन। ये घड़ी बहुत ही प्राचीन है। मित्रों, आया ना? इसी तरह से आपको समानार्थी शब्द एग्जाम्स में हम लोग पूछेंगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा, क्योंकि मैंने आप पहले सूचना पढ़िएगा कि समानार्थी शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स, अभी कहीं हम लोगों ने 30 मार्क्स की टेस्ट ली, मंथली टेस्ट, उसमें कई बच्चों ने सिर्फ समानार्थी शब्द ही लिखे, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया है, तो मैंने आधा मार्क्स ही दिया है। इसीलिए आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं सेक्शन बी। वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखिए। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से सिर्फ एक ही चैप्टर में वचन परिवर्तन है, और वो है चैप्टर 1। ये रहा वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला है नदी। तो उसका क्या आएगा? नदिया। फिर किताब। किताबें। दरवाजे। दरवाजा। कला। कलाए। कौवा। कौवे। धातुए। धातु। सड़के। सड़क। कुत्ता। कुत्ते। यहाँ पे है वचन परिवर्तन करना है, और मैंने यहाँ पे लिखा है उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर एग्जाम्स में मैं ऐसा लिखूँ कि वचन परिवर्तन कीजिए, तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, और मैं बोलूँ, अगर लिखूँ अंदर कि वचन परिवर्तन करके वाक्य में लिखिए, तो फ्रेंड्स, आपको खुद वो वाक्य बनाना होगा। आगे देखते हैं बी। शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। फ्रेंड्स, ये जो है, हम लोग 6th स्टैंडर्ड से सीख के आए हैं कि उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए।
मैं आपको कोई भी जगह से मैं पूछ सकती हूँ, मतलब पूछूंगी मैं टेक्स्ट बुक में से ही। तो उलट सुलट शब्द होंगे, उसको हम कंटिन्यू ऐसे एकदम परफेक्ट क्रम में लिखने हैं। तो एग्जाम्पल, सभी का है तू सभी तेरे, तो मैं उलट सुलट पूछ सकती हूँ और आपको ये इस तरह से अच्छी तरह से बनाना है ना मित्रों। और एक दूसरा एग्जाम्पल, चैप्टर्स देखेंगे। ओके, दो, ईदगाह, उसमें से मैं लेती हूँ कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस कि नमाज खत्म हो गई। तो अगर मैं पूछूँ कि गई खत्म हो नमाज, मैं ऐसा पूछूं तो आप किस तरह से लिखोगे? गई खत्म हो नमाज, यानी नमाज खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, आपका सेक्शन भी इस तरह से ही आएगा, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ चैप्टर 4 में ही है, चैप्टर 1 में नहीं है, सिर्फ चैप्टर 4 में है। कौन सा है भावार्थ, हम लोग देखेंगे। ये रहा, आश्रय स्पष्ट कीजिए, कौन सा है? युग युग के मुझे मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो फ्रेंड्स, इसका हमें जो आश्रय है वो स्पष्ट करना है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे कि हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये इसका आश्रय स्पष्ट करना है। मैंने पूछा कि इसका काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए, तो आपको आपके शब्दों में आप समझा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो बोला वो ही करो, लेकिन आपको अगर ये आपकी आपको जैसा लगे कि हाँ मुझे इस तरह से लिखना है, तो बच्चों आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, उसे समझा सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन बी, डी, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह बनाइए। तो जातिवाचक संज्ञा, फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 4 में जातिवाचक संज्ञा देख चुके हैं। कौन सी है? चैप्टर 4, ये रही। बहुवाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ओनली फॉर चैप्टर 4 में ही जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमें, मैं आपको जो सेंटेंस दूंगी उसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा निकाल के उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल करना है। आगे है ई,
मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स, मुहावरे का अर्थ चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से सिर्फ एक ही चैप्टर में है और वो है चैप्टर 2। तो हम लोग चैप्टर 2 में जाएंगे। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला है बेड़ा पार लगाना। उसका मतलब क्या होगा बच्चों? बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना। तो भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। सेकंड है बाल बांका न होना, यानी कि जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका नहीं हुआ, है ना। आगे छाती पीट लेना, यानी कि दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। आगे दिल चीरना, दिल चीरना यानी बहुत दुख पहुंचना। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। फ्रेंड्स, ओनली फॉर चैप्टर 2 में ही हमारे मुहावरे के अर्थ है। तो आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 3। कौन सा है सेक्शन 3? शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आई थिंक सो बेटा, हम लोगों ने एक ही चैप्टर 1 में ही शब्दकोश के शब्द है, तो चैप्टर 1 का तो रिफर करना ही है। लेकिन शायद अगर बाहर से पूछा जाए, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो आप वो भी आपको करना होगा। आगे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन बच्चों, मैंने आपको पुनरावर्तन करवाया था स्टार्टिंग में कि लिंग परिवर्तन कीजिए। ये रहा, तो मैं आपको लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे लिंग परिवर्तन पुनरावर्तन में करवाए हैं, एक बार देख लेते हैं। बाल बाला, शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, पुत्र पुत्री, देव देवी, हिरण हिरणी, कुमार कुमारी, बेटा बेटी, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, पापी पापिनी, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, सहपाठी सहपाठिनी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, श्रीमान श्रीमती, भाग्यवान भाग्यवती, भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, पंडित पंडिताइन, गुरु गुरुआइन, ठाकुर ठाकुराइन, चौधरी चौधरीइन, नाई नाई, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन और माली मालिन। फ्रेंड्स, ये सब लिंग परिवर्तन है। तो मैंने पूछा है कि लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको इसको लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करना है। आगे देखते हैं सी सेक्शन। सी में से है सी,
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। मैं आपको कोई भी पैराग्राफ दूंगी, वो आपको रीड करना है और अच्छी तरह से जो विराम चिन्ह हो, प्रश्नार्थ चिन्ह हो, वो सब चिन्ह जो भी मैंने लगाए हैं वो सब परफेक्टली आपको अच्छे गुड है राइटिंग में आपको फिर से वो परिच्छेद लिखना है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फ्रेंड्स, एक एक वाक्य में तो चैप्टर 2 में है, 3 में है और चैप्टर 4 में है। चैप्टर 1 में एक एक वाक्य के शब्द नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। चैप्टर टू में है। मैं आपको बोलती हूँ चैप्टर 2 में ध्यान रखना, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी ना खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा करते हैं और रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। बच्चों, मैंने आपको ये टेस्ट में पूछा था कि रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं, ये एक एक वाक्य में पूछा जाएगा। दूसरा है रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? तो रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको एक एक वाक्य में आएगा। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिस्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर 2 में है। जो ये वाला 1 वाला है वो कैसा है? सब एक एक वाक्य। ओके, अब आएगा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में कौन कौन से एक वाक्य में पूछा जा सकते हैं? चैप्टर 3 में कौन कौन से एक वाक्य में है आपको मैं बताती हूं। तो पहला है सुनीता कितना समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता कितना समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी, ये भी एक वाक्य में आएगा बच्चों। तो आंसर है उसका सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। दूसरा है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? ये भी बच्चों एक वाक्य में पूछा जाएगा। तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश में अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। तो बच्चों, ये भी आपको एक एक वाक्य में पूछा जाएगा। अब आएगा चैप्टर 4। चैप्टर 2 में ये दो ही है एक एक वाक्य में, ध्यान से बच्चों। आगे चैप्टर 4 में है, मैंने आपको अलग से लिखवाए हैं नोटबुक में और मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है उसकी। तो देखते हैं चैप्टर 4 के एक एक वाक्य में उत्तर ये रहे। कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? तो कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का
प्रभात है। दूसरा है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है। तो नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है। तो कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा। तो ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 2, 3 और 4 में एक एक वाक्य का है। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 4 सभी में सविस्तार है। स्वाध्याय और अभ्यास में वो आपको सब क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको वो करवाया है, लिखवाया है ना, मैंने आपको PDF भी भेजी है। ये रही, क्या है कहानी लेखन, परिश्रम का फल। ये कहानी मैंने आपको निबंध की नोट में लिखवाई है, PDF मैंने भेजी है। आगे है पत्र लेखन। पत्र लेखन, फ्रेंड्स मैंने पत्र लेखन आपको लिखवाया है, लिखवाया है ना, कौन सा लिखवाया है, वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। मैंने ऑलरेडी आपको PDF भेजी है। आगे है सेक्शन डी में है सी, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 निबंध लिखवाए हैं, कौन कौन से लिखवाए हैं, तो एक पुस्तक है हमारी मित्र और रक्षा बंधन। तो समझ में आया फ्रेंड्स, आज हमारा रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आपको आपकी नोटबुक में मैंने आपको ABC तो ऑलरेडी लिखवा दिया है, तो आपको समानार्थी शब्द चैप्टर 2 में ही है वो आपको लिखने हैं। सेक्शन बी, वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखे, वो भी एक चैप्टर 1 में है। फिर है बी, ये कोई भी पूछेंगे मैं, तो आपको ये नहीं लिखना है नोटबुक में, सिर्फ आपको सब चैप्टर्स एक बार रीड करने हैं। फिर सी, सी में भी आपको लिखना है, एक ही है बच्चा, चैप्टर 4 का है ना, बाकी का सब ये ऐसे ही रहने दो और रीड करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो हमारा रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है और एग्जाम्स के लिए बेस्ट लक। थैंक यू।